हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द फार्मा गैलेक्सी। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर में बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी। ठीक है, इसमें हम लोग बायोकेमिस्ट्री का पोर्शन आज शुरू करेंगे, जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं उसका इंट्रोडक्शन, स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री और हमारे बॉडी में जो सेल है और उसका बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इन सब टॉपिक को हम आज कवर करेंगे। देखिए फ्रेंड, जब भी आप कभी पढ़ाई करिए तो अपने सिलेबस को अपने सामने रख के पढ़ाई करिए। जो भी चैप्टर में, एक चैप्टर में सारे टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं होते हैं, तो ये ध्यान में रखिए कि इस चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक आपके सिलेबस में हैं। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग ही आप पढ़ाई करिए, क्योंकि आपका सिलेबस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेंथी है। अगर आप जो वो चीज़ पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपका टाइम वेस्ट होगा। हाँ, अगर आप इसे एग्ज़ाम के बाद पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं नॉलेज के लिए, लेकिन अगर आप सिलेबस पहले कवर कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसका इंट्रोडक्शन। अगर हम बायोकेमिस्ट्री वर्ड को दो भाग में बांट दें, ठीक है, अगर हम यहाँ से इसको तोड़ देते हैं, बायो अलग कर देते हैं, केमिस्ट्री अलग कर देते हैं, तब देखिए इसका एक मतलब निकलता है, मीनिंग निकलता है। दो भाग में बांटने से क्या बना? बायो बना और केमिस्ट्री बना। ठीक है, बायो का क्या मतलब होता है? लाइफ या फिर लिविंग सिस्टम या फिर कोई भी लिविंग बॉडी। ठीक, और केमिस्ट्री मतलब कि किसी भी लिविंग बॉडी में, जैसे ह्यूमन बींग मान एक ले लीजिए, जैसे हम हैं, ठीक है, मानव शरीर, हमारे अंदर जो भी केमिस्ट्री है, जो भी केमिकल प्रोसेस है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर कई सारे केमिकल्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब केमिकल्स पाए जाएंगे तो जाहिर सी बात है उनके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन होगा, कोई भी प्रोसेस होगा, तो केमिकल चेंजेस होंगे, एनर्जी इवॉल्व होगी, एनर्जी यूज होगी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का जो स्टडी है, ठीक है, वो हम किस में करते हैं? बायोकेमिस्ट्री में करते हैं। ठीक है, मतलब बायो के अंदर, मतलब हमारे बॉडी के अंदर, लिविंग बॉडी के अंदर जो भी केमिस्ट्री पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, इसके डेफिनेशन की अगर हम बात करें, द टर्म बायोकेमिस्ट्री इज डिफाइंड एज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद केमिकल नेचर एंड केमिकल बिहेवियर ऑफ लिविंग बॉडी। हमारे लिविंग बॉडी, मतलब कोई भी लिविंग बॉडी, जैसे हम हो गए, ह्यूमन बींग हो गए, ठीक है, हमारे अंदर जो भी केमिकल प्रेजेंट है उसके केमिकल स्टडी, मतलब केमिकल नेचर के बारे में स्टडी करना, या फिर केमिकल बिहेवियर के बारे में स्टडी करना, और या फिर कोई भी केमिकल प्रोसेस और इन सब के बारे में स्टडी करना क्या होता है? बायोकेमिस्ट्री होती है। ठीक है, इसमें हम बायो, मतलब इन सब चीज की स्टडी हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर करते हैं। ठीक है, जर्मन के एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिनका नाम था कार्ल न्यूबर्ग, ये बगल में भाई साहब वही है, इनका नाम है कार्ल न्यूबर्ग। सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री शब्द का इस्तेमाल इन्होंने ही किया था 1903 में। ठीक है, और इनको फादर ऑफ बायोकेमिस्ट्री भी कहा जाता है। अब देख लेते हैं कि बायोकेमिस्ट्री के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लिविंग मैटर, हमारे लिविंग बॉडी के अंदर कौन कौन से केमिकल प्रेजेंट है, कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। ठीक है, इसकी स्टडी किस में होती है? बायोकेमिस्ट्री में होती है। बायोकेमिस्ट्री से हम ये भी स्टडी करते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर जब भी कोई प्रोसेस हो रहा है, चाहे डाइजेशन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है, उसके दौरान क्या क्या केमिकल चेंजेस आ रहे हैं हमारी बॉडी में, इसकी भी स्टडी हम बायोकेमिस्ट्री में करते हैं। ठीक है, और जब ये सारा प्रोसेस हो रहा है उसके दौरान एनर्जी कैसे चेंज हो रही है, ठीक है, एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है या फिर एनर्जी इवॉल्व हो रही है, ये सब के बारे में स्टडी भी हम बायोकेमिस्ट्री में ही करते हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट टू अदर फॉर्म, हमारी बॉडी के अंदर कोई केमिकल कॉन्स्टिट्यूट एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाए, इसकी भी स्टडी हम बायोकेमिस्ट्री में ही करते हैं। ओवरऑल बायोकेमिस्ट्री प्लेज अ क्रूशियल रोल इन अंडरस्टैंडिंग द फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ लाइफ। सब मिलाकर हम ये कह सकते हैं बायोकेमिस्ट्री को हम अपनी फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ लाइफ को समझने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब डाइजेशन कैसे हो रहा है, ठीक है, डाइजेशन के दौरान क्या क्या केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, और जो सेल है वो कैसे, मतलब कि सेल के बाहर के एनवायरनमेंट से कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, ये सब भी हम बायोकेमिस्ट्री में ही स्टडी करते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने क्या कवर किया? इंट्रोडक्शन, वो हमारा हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं बायोकेमिस्ट्री का क्या स्कोप है फार्मेसी में। ठीक है,
बायोकेमिस्ट्री प्लेज अ क्रूशियल रोल इन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ फार्मेसी रेंजिंग फ्रॉम ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट टू द क्लिनिकल प्रैक्टिस। बायोकेमिस्ट्री का एक बहुत बड़ा रोल है फार्मेसी में, फार्मेसी के एस्पेक्ट में, कि जैसे ड्रग की डिस्कवरी से लेके उसके डेवलपमेंट से लेके क्लिनिकल प्रैक्टिस तक ये कवर करता है, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री जैसे किसी भी लिविंग सिस्टम से, किसी भी प्लांट से, मान लीजिए हम ड्रग को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ठीक है, फिर वहाँ से आइसोलेट करके हम अपनी बॉडी में जब एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो जब प्लांट से हम उसको आइडेंटिफाई करके आइसोलेट करके निकाल रहे हैं, ये भी बायोकेमिस्ट्री में ही कवर करते हैं। और जब हम बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करते हैं तो क्या क्या केमिकल चेंजेस आते हैं उसके एब्जॉर्प्शन के थ्रू, ठीक है, एक्सक्रीशन के थ्रू, तो ये सब भी हम बायोकेमिस्ट्री में ही कवर करते हैं, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री इज यूज टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल। बायोकेमिस्ट्री का इस्तेमाल हम अपने बॉडी के अंदर, देखिए फ्रेंड्स, हमारे बॉडी के अंदर बायोमोलिक्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है, तो उसके स्ट्रक्चर को समझना, उसके फंक्शन को समझना, इस बायोकेमिस्ट्री का इस्तेमाल इसमें भी होता है, ठीक है। अब बायोमोलिक्यूल्स होते क्या है, हमारे बॉडी के अंदर जो बायोमोलिक्यूल्स पाए जाते हैं, आइए उसके बारे में हम समझ लेते हैं कि बायोमोलिक्यूल्स होते क्या है। बायोमोलिक्यूल्स, द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द लिविंग बॉडी इज नोन एज बायोमोलिक्यूल। हमारे बॉडी के अंदर जो भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मिलकर जो मॉलिक्यूल बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ठीक है। जब ये हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, बायोमोलिक्यूल कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए, बायो से मतलब जो भी है मॉलिक्यूल हमारे लिविंग बॉडी के अंदर है, ठीक है, लिविंग सिस्टम के अंदर है। तो यहाँ पे कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द लिविंग बॉडी इज नोन एज बायोमोलिक्यूल। अब इसका भी क्लासिफिकेशन है, देख लेते हैं क्या क्लासिफिकेशन है इसका, कौन कौन से किस पार्ट में क्लासिफाई हुआ है। पहला है मैक्रोमोलिक्यूल और दूसरा है माइक्रोमोलिक्यूल। जो मैक्रोमोलिक्यूल होता है वो लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है, मतलब वो थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी होता है और उसका मॉलिक्यूलर वेट भी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द माइक्रोमोलिक्यूल। और माइक्रोमोलिक्यूल स्मॉल होता है, सिंपल होता है, ठीक है, और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो मैक्रोमोलिक्यूल से कम होता है। अब एग्जांपल देख लेते हैं हम इसका, माइक्रोमोलिक्यूल का क्या एग्जांपल होता है। हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, लिपिड होता है, ठीक है, ये सब क्या है, माइक्रोमोलिक्यूल के अंदर आते हैं। और माइक्रोमोलिक्यूल के अंदर अमीनो एसिड हो गया, फैटी एसिड हो गया, न्यूक्लियोटाइड्स हो गया, ये सब आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये क्या है, अमीनो एसिड, ये सब यूनिट है, सब यूनिट है किसका, माइक्रोमोलिक्यूल। माइक्रोमोलिक्यूल से मिलके मैक्रोमोलिक्यूल बनता है, ठीक है, मतलब कि अमीनो एसिड आपस में मिलके क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है, प्रोटीन बनाते हैं ना, और फैटी एसिड मिलके आपस में क्या बनाते हैं, लिपिड बनाते हैं, ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलके क्या बनाते हैं, डीएनए और आरएनए बना देते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, माइक्रोमोलिक्यूल हो गए और मैक्रोमोलिक्यूल हो गए जो हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसका और क्या स्कोप है, कहाँ यूज होता है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री इज ऑल्सो यूज टू अंडरस्टैंड हाउ ड्रग्स आर मेटाबोलाइज विच कैन अफेक्ट दियर इफिकेसी एंड सेफ्टी। बायोकेमिस्ट्री का इस्तेमाल हम किसी भी ड्रग के मेटाबोलिज्म को पढ़ने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, मतलब समझने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि कौन सी ड्रग किस तरीके से हमारी बॉडी में मेटाबोलाइज हो रही है। अगर हम उसको पढ़ेंगे तभी हम उसको अच्छे से मतलब कि दवा की इफिकेसी को हम डेवलप कर पाएंगे या फिर उसकी सेफ्टी को हम आंक पाएंगे कि हाँ ये चीज़ सेफ है कि नहीं है। उसके मेटाबॉलिज्म को पढ़ते हैं, वो किस में आता है, बायोकेमिस्ट्री में आता है। बायोकेमिस्ट्री इज यूज टू आइडेंटिफाई एंड आइसोलेट द नेचुरल कंपाउंड फ्रॉम द प्लांट्स, मिनरल एंड अदर सोर्स। अब देखिए मैंने उसमें क्या बताया था, शुरू में ही बताया था ना मैंने कि बायोकेमिस्ट्री वहाँ से लेकर मतलब कि प्लांट से या फिर किसी भी नेचुरल सोर्स से किसी भी कंपाउंड को आइडेंटिफाई करके, ठीक है, उसको आइसोलेट करता है, उसका भी इस किस में आता है, वो चीज़ बायोकेमिस्ट्री में आती है, ठीक है। यह हो गया हमारा स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री। अब आता है सेल एंड इट्स बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन। द सेल इज अ बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ
एंड इज कंपोज्ड ऑफ वैरायटी ऑफ डिफरेंट बायोकेमिकल कंपाउंड्स। जो सेल है वो हमारा बेसिक फंडामेंटल ऑफ लाइफ है, ठीक है। ये सेल मैंने पिछले पढ़ाया हुआ है, ठीक है, इससे पहले मैंने सेल पढ़ाया हुआ है। जो स्टूडेंट्स वो वीडियो ना देखे हों वो जाके सेल वाली वीडियो देख लें, उससे वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सेल क्या, उसमें मैंने और अच्छे से समझाया है डिटेल में कि सेल क्या है, उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, उसका फंक्शन क्या होता है, ये सब सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन करी है। तो जो स्टूडेंट्स वो वीडियो ना देखे हों वो अभी जाके वीडियो देख सकते हैं। सेल क्या है, सेल इज बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हमारी लाइफ क्या है, एक यूनिट है। जैसे अमीनो प्रोटीन किससे बनता है, उसका यूनिट क्या है, अमीनो एसिड है, ठीक है। अमीनो एसिड से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। तो हमारी लाइफ की भी एक यूनिट है जिसको हम सेल बोलते हैं। सेल से मिलकर हमारी बॉडी बनती है, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, फिर उसके बाद ऑर्गेनिज्म बनता है। तो ये प्रोसेस है, ठीक है। अब देखिए, अब सेल के अंदर कौन कौन, देखिए, बायोकेमिकल कंपाउंड्स पाए जाते हैं। कौन कौन से, सेल मेम्ब्रेन हो गया। सेल मेम्ब्रेन मतलब कि सेल की एक आउटर कवरिंग होती है। ये सेल है हमारा, ठीक है, मान लीजिए ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, ठीक। ये सेल की आउटर कवरिंग हो गई, एकदम ब्रीफ में मैं बता रहा हूँ, अगर जिसे डिटेल में समझना है सेल और उसके ऑर्गेनली वो वीडियो जाके देख सकते हैं। ये जो आउटर कवरिंग है, बाउंड्री है, इसको हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसका क्या फंक्शन है, कोई भी मटेरियल यहाँ से मतलब कि सेल के अंदर से सेल के बाहर भेजना, या फिर कोई भी मटेरियल को सेल के बाहर से सेल के अंदर लेना, ये क्या कर, रेगुलेट करने का काम कौन करता है, सेल मेम्ब्रेन करता है। अब साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म ये जो ग्राउंड सब्सटेंस है, ठीक है, न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो ये ग्राउंड सब्सटेंस है, इसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। इसका काम यही होता है कि ये डिफरेंट ऑर्गेनेल्स को होल्ड करके रखता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, इन सबको क्या कहता है, होल्ड करके रखता है, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म, ये चीज न्यूक्लियो, साइटोप्लाज्म ये वाला ग्राउंड हो गया, अब न्यूक्लियोप्लाज्म जो है वो न्यूक्लियस के अंदर जो ग्राउंड पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनली है जो साइटोप्लाज्म में सस्पेंडेड होते हैं। इसका काम क्या है कि एनर्जी मतलब एटीपी का प्रोडक्शन करता है। सेल में कोई भी एक्टिविटी करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, तो एनर्जी का प्रोडक्शन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है, ठीक है। राइबोसोम भी पाए जाते हैं इसमें, ठीक है, जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है वो राइबोसोम पे ही होती है। अगर ये राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आके बैठ जाते हैं तो उसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। अगर जहाँ पे जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम नहीं पाए जाते उसे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। लाइसोसोम क्या है, लाइसोसोम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इसमें होता है लाइसोसोम में, जो बड़े मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है, ठीक है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गॉल्जी अपैरेटस वही मतलब कि जहाँ पे जो मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पैक करके डिलीवर करने का काम करते हैं, ठीक है। जिसे डिटेल में समझना है वो वाली वीडियो जाके देख सकता है। बायोकेमिकल रिएक्शन विद इन द सेल आर मीडिएटेड बाय एंजाइम। जो भी केमिकल रिएक्शन होते हैं सेल के अंदर वो किसके द्वारा होते हैं, एंजाइम के द्वारा होते हैं, ठीक है। एंजाइम क्या करता है, केमिकल रिएक्शन को, एंजाइम क्या करता है, केमिकल रिएक्शन को इनहेंस करने का काम करता है, कैटेलाइज करता है, मतलब कि बहुत तेजी से कराता है। जैसे कैटलिस्ट होता है, कैटलिस्ट क्या करता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन को फास्ट कराता है, इन्हेंस कराता है, वही काम यहाँ पे एंजाइम करता है। ये बायो कैटलिस्ट इसको कहते हैं हम लोग, कि हमारे बॉडी के अंदर जो भी केमिकल बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं उसको इन्हेंस करने का काम कौन करता है, एंजाइम करता है, ठीक है। एंजाइम इन्वॉल्व इन द प्रोसेस सच एज मेटाबॉलिज्म, डीएनए रेप्लिकेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब कोई भी प्रोसेस हो, चाहे वो मेटाबॉलिज्म हो रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन हो जा रहा है, प्रोटीन की सिंथेसिस हो जा रही है, इन सब में कैटलिस्ट का काम कौन करता है, एंजाइम करता है। अगर एंजाइम नहीं होगा तो मेटाबॉलिज्म इतना स्लो होगा कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। तो इतनी जल्दी इसलिए हो जाता है कि वहाँ पे एंजाइम काम करती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फ्रेंड्स की बायोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन क्या है, उसका स्कोप क्या है,
और सेल और उसका बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।